देख रहे हैं क्या कारण है कि रेलगाड़ी के अचानक चलने से उसमें सवार व्यक्ति पीछे झुक जाता है, माने जो जो उसमें सवार व्यक्ति है वो पीछे की ओर झुक जाता है क्यों? जैसे देखो ये रेलगाड़ी है, जैसे आप देख पा रहे हैं, और यह व्यक्ति बैठा हुआ है। अब यह व्यक्ति जो बैठा हुआ है, अगर रेलगाड़ी रुकी है और अचानक चले तो व्यक्ति किधर झुकेगा? ये पीछे की ओर झुकेगा। ऐसा क्यों? तो आप देख पा रहे हैं कि व्यक्ति का जो हिस्सा, यह देखो जब रेलगाड़ी जब रुकी हुई है, जब रेलगाड़ी रुकी है तो इसका पूरा शरीर क्या है? विराम में है। पूरा इसका शरीर क्या है? विराम में है। और विराम में है तो ऐसी स्थिति में जैसे ही गाड़ी चलेगी तो गाड़ी के संपर्क में इस व्यक्ति का कितना हिस्सा है? यहां देख पा रहे हो, यहाँ सीट से संपर्क है ना, इतना भाग जो मैंने कलर किया है, ये इतना भाग जो है वो क्या है? गाड़ी के संपर्क में है। तो जो भाग गाड़ी के संपर्क में है, जो भाग गाड़ी के संपर्क में, इतना ही ना भाग है जी, यह भाग जो गाड़ी के संपर्क में है, रेलगाड़ी जैसे ही चलेगी ये भाग गतिशील हो जाएगा। यह भाग क्या हो जाएगा? गतिशील हो जाएगा, यह गति में हो जाएगा, यह गतिशील हो गया, यह भाग गति में आ गया। लेकिन यह देख पा रहे हैं, यहां से देखिए, यह जो भाग है इसके गर्दन के ऊपर का जो यहां तक भाग है, यह भाग क्या है? यह भाग गाड़ी के संपर्क में नहीं है। तो ये पहले क्या था? यह भाग विराम में था। तो विराम जड़त्व के कारण यह भाग क्या चाहेगा? कि अब विराम में रहे, तो ऊपर का भाग चाहेगा कि विराम जड़त्व के कारण किसमें रहे? विराम में रहे। लेकिन नीचे का भाग गाड़ी के संपर्क में होने के कारण क्या हो जाएगा? गति में। तो इसका पैर वाला हिस्सा हो जाएगा आगे और इसका मुड़ी हो जाएगा पीछे। तो व्यक्ति किधर गिरेगा? तब यह पीछे की ओर क्या हो जाएगा? झुक जाएगा। क्लियर है? तो यही बात इसमें लिखना।